नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। वाराणसी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हुए हैं। पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। साथ ही देश के पहले रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उद्घाटन किया है। तो आज इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते 9 साल में कितने बदले हैं काशी के हालात और आज की काशी कैसे बदली बदली नजर आ रही है। तो 9 साल में काशी का विकास हुआ है और विकास को पंख दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ। वाराणसी में नमो घाट का निर्माण किया गया। भगवान बुद्ध की धरती सारनाथ में लाइट साउंड शो की शुरुआत हुई। हृदय स्थल कहे जाने वाले गदौलिया से दशाश्वमेध मार्ग का विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन हुआ। इसी के साथ साथ 153 किलोमीटर के 47 ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण हुआ। वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर 3 लेन के फ्लाईओवर पुल का निर्माण हुआ। 2 रोड ओवरब्रिज और 1 फ्लाईओवर के साथ रिंग रोड की सौगात दी गई। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से काशी की तस्वीर पिछले 9 सालों में बदली है। सबसे पहले आपको मेहमानों से रूबरू कराती हूं। देवेंद्र प्रमुख, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप संडा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष ओझा, संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले आप तीनों का ही बहुत स्वागत खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करूँ, एक बार अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता संतोष ओझा बने हुए हमारे साथ। संतोष, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हो और काशीवासी उनका गुणगान करते नहीं थकते और वजह साफ है कि किस तरीके से विकास को पंख देते हैं प्रधानमंत्री जब भी उनका दौरा होता है। काशी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करती है, उनका धन्यवाद कर रही है? देखिए, बड़ी साफ सी बात है कि गिफ्ट सबको अच्छा लगता है, अच्छी जीवन सबको अच्छा लगता है और विकास का क्रम सबको अच्छा लगता है। स्वाभाविक सी बात है कि काशी के लोग भी इसी क्रम में है और उन्हें भी बेहद अच्छे लगते हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्य। चूंकि यहाँ के वो सांसद हैं, लिहाजा यहाँ विकास की जो गंगा बह रही है वो काबिले तारीफ है। लोगों की यदि हम बात करें, पब्लिक की बात करें, काशीवासियों की बात करें, तो अधिकांश जनता उनमें शुमार है जो ये कहती है कि ये विकास अब तक नहीं देखी गई थी, ये बहुत दिनों के बाद विकास की ऐसी गंगा काशी में बही है। चाहे पहचान की यदि हम बात कर ले काशी की, तो काशी की पहचान का बाबा विश्वनाथ से की होती है। बाबा विश्वनाथ धाम जो बना वो निश्चित तौर पे अद्भुत है, सुंदर है और लोगों ने उसे सराहा। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, पर्यटन का जो रेट बढ़ा, पर्यटन की जो आवाज बढ़ी, वो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को रोजगार का भी मौका दिया। दूसरी पहचान गंगा, गंगा के घाट और गंगा पे तट पे आने वाले सैलानी और दर्शनार्थी, इनमें भी न केवल 4 चांद लगाई गई बल्कि लाइट और दूसरी सजावटों से इसे खूबसूरत बनाया गया। तो समझा जा सकता है कि बनारस, चाहे वो काशी के घाट हो, गंगा हो या फिर बाबा विश्वनाथ हो, इनके विकास के साथ ही साथ सड़कों पे, मार्गों पे, हवाई मार्गों पे, इन चीजों पे भी ध्यान दिया गया। और यही वजह है कि काशीवासी इन पूरे विकास के क्रम को न केवल साक्षी के रूप में ले रहे हैं बल्कि गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात के लिए भी कि उनको प्रधानमंत्री जैसा एक शख्सियत मिला जो काशी के साथ साथ देश को विकसित कर रहा है, देश को नया आयाम दे रहा है। जी बिल्कुल। तो काशी की बदलती तस्वीर से कहीं ना कहीं काशीवासियों का भी विकास हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर पहचान काशी को मिल रही है। देवेंद्र प्रमुख जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, काशी की बदली तस्वीर को लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए उन्नति जी, काशी विश्वनाथ जो स्थान है बाबा का, वो वर्ल्ड फेमस है। अगर सनातन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में रहता है, भारत की बात नहीं कर रहा, वो बाबा विश्वनाथ के बारे में बहुत बारीकी से जानता है। और इससे बड़ा प्रमाण कहीं देश में और दुनिया में नहीं है कि बाबा विश्वनाथ की जो काशी है वहां का, अगर आप सनातन से लेकर कोई भी किसी भी चीज पे विश्लेषण हो तो कई घंटे और सालों भी कम लग जाएंगे कि कितने प्रमाण है। और ये इस देश के लिए, सनातन के लिए, हम सब के लिए, पूरे भारत के लिए गौरव की बात है कि आज काशी जो है विश्व का वो स्थान है कि जहां सब जगह चलता है।
और उससे अच्छी बात यह है कि देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े लीडर माननीय नरेंद्र मोदी जी का वो लोकसभा क्षेत्र है, ये और बड़ी खुशी की बात है। और उन्होंने जिस हिसाब से होना चाहिए था, जिस तरह के से होना चाहिए था, उसी तरह से उस काशी का विकास करने का, उस काशी के नाम को, उसकी पहचान को उसी तरह से उत्पन्न करने का काम किया है, जो आज प्रत्यक्ष में आ रहा है, हम सबके सामने आ रहा है। हम गौरवान्वित होकर कहते हैं, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे काशी के रहने वाला कोई भी किसी भी धर्म से कोई भी जुड़ा हुआ हो, वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार पसंद करे ना करे, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और दुनिया के टॉप लीडर को, एक जिनकी टॉप लीडर्स में फर्स्ट सेकंड नंबर पर गिनती हो रही है, उनको जरूर वो पसंद करते हैं और उनका वो जरूर सम्मान भी करते हैं। और काशी में जितना बदलाव अब हुआ है इतने कम समय में, कोरोना काल महामारी के दौरान, वैश्विक महामारी के दौरान भी काशी की जो तस्वीर पलटती रही, काम चलता रहा, जो 70 वर्षों से इस चीज के लिए तरस रहा था कि काशी की जो पहचान है, काशी का जो विकास होना है, वो कुछ भी वक्त बिल्कुल ठीक है आपके अनुसार काशी की पहचान बदली है और काशी को कहीं ना कहीं विकास के पंख दिए गए हैं। ठीक है अनूप जी, सीधा सा सवाल, काशी की तस्वीर बदली है, इस बात से इत्तफाक रखते हैं आप? बिल्कुल, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि काशी की तस्वीर तो बदली है कुछ, लेकिन प्रधानमंत्री जी का वादा काशी को क्योटो बनाने का था और माँ गंगा के बुलावे पर आए थे प्रधानमंत्री जी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। और माँ गंगा की क्या हालत है, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जी कि माँ गंगा के 80 घाट पर जो जल में प्रदूषण का स्तर है, उसमें मल और कॉलीफॉर बैक्टीरिया की मात्रा कई 100 गुना अनुमन्य संख्या से ऊपर है। क्या माँ गंगा को निर्मल करने का वादा प्रधानमंत्री जी भूल गए हैं? क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं याद है कि जिन माँ गंगा ने उनको बुलाया था, उन माँ गंगा के साथ धोखा हो रहा है? 9 एसटीपी प्लांट वाराणसी में लगाए जाने प्रस्तावित थे, 1 एसटीपी प्लांट मात्र कार्यरत है। अभी हमारे भाजपा के मित्र बड़े गर्व से कह रहे थे कि कोरोना के समय में हमने काशी को बहुत एक अच्छा, काशी की जनता को सुविधाएं दी। मैं याद दिलाना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता महोदय को कि पद्मश्री छन्नूलाल मिश्र जी जो 2014 में प्रधानमंत्री जी के चुनाव के प्रस्तावक थे नामांकन के, उनकी पुत्री इलाज के अभाव में कोविड के दौरान उनका देहांत हो गया था और छन्नूलाल जी ने रो रो करके सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक फरियाद पहुंचाई थी कि मैं फोन करता रहा लेकिन मेरी बेटी को उचित इलाज नहीं मिल पाया। ये बदली है काशी की तस्वीर? ये रोपवे बनाने से काशी का विकास होगा? काशी तो जब से धरती बनी है, सृष्टि बनी, तब से काशी है। बाबा विश्वनाथ की धरती तो तब से है। जटाटवी गलत जुल प्रवापावितस्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 तिदात निनाद वड्डवरयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। अरे उन भगवान शिव की धरती, उसमें आज आप गंगा में क्रूज चला करके क्या करना चाह रहे हैं कि कौन सा विकास कर रहे हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं ठीक है कि प्रधानमंत्री जी काशी के दावों, काशी देवेंद्र के जी मूलभूत विकास, देखिए विपक्ष का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि विपक्ष जो है जो मुद्दे रखता है सरकार के सामने, कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए होते हैं जनता से। यकीनन काशी का विकास के लिए बड़े आयाम जो है अपनाए जा रहे हैं, लेकिन जो जिक्र किया है अनूप जी ने, गंगा की सफाई का जिक्र किया है, साथ ही साथ प्राथमिकता जिस तरीके से तय की जा रही है वो ठीक नहीं है, इसको लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं अनूप जी। देवेंद्र जी क्या जवाब होगा आपका? देखिए विपक्ष की भूमिका में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उन्हें सुना भी जाए, प्रयास भी किया जाए, अच्छी बात है। हम तो हमेशा चाहते हैं कि विपक्ष भी फले फूले और मजबूत रहेगा तो सत्ता को उतना ही आईना दिखाएगा और जितना आईना शानदार सामने होगा सत्ता उतनी आनंदमय होगी, क्योंकि विकास करना सत्ता की पहली प्राथमिकता होती है। और कोई ठीक है अनूप जी, मैं दुरुस्त कराती हूँ उसको।
भारतीय जनता पार्टी के जो शासन काल देखा 2014 के बाद, अब सत्ता की भूख नहीं है, अब भूख है कि काम कितना जो है जनता की नजर में कितना सॉलिड हुआ, कितने प्रतिशत जो है जनता हमको पसंद कर रही है। लड़ाई ये नहीं है कि हमें किसी राज को जीतना है, लड़ाई ये नहीं है कि 2024 में हमको क्या करना है, लड़ाई अब ये है उन्नति जी कि हमें जनता के बीच में कितने ट्रस्ट को, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं नहीं बची। सीधे सीधे गंगा के विकास को लेकर उन्होंने सवाल किए हैं, गंगा की सफाई को लेकर उन्होंने सवाल किए हैं, क्या गंगा की सफाई के लिए इसको इस ओर ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि आपने ही कहा विपक्ष अच्छे मुद्दे बताता है और कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, तो जो अगर सुझाव दिए जा रहे हैं तो क्या उसको एक पॉजिटिविटी के साथ लिया जाएगा? मैं विपक्ष को हमेशा पॉजिटिविटी के साथ लेता हूँ और विपक्ष की बात को सुनता हूँ, अपनी बात जो रखता हूँ वो भी तथ्य के साथ प्रयास करता हूँ, लेकिन विपक्ष की बात को भी सुनता हूँ। मुझे अच्छी लगी बात अगर आईनिया दिखाया जाए, लेकिन एक बार अपनी तरफ थोड़ा सा देख लें, ताजा घटना ज्यादा पुरानी नहीं है, आज गंगा की बात हो रही है, गंगा पर सरकार ने पूरा प्रयास किया और आज भी प्रयासरत है। और दूसरी ये कहता हूँ कि रामायण जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिस तरह से उसकी प्रतियों को लेकर जिस तरह से हमारे साथी विपक्ष के पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने जो काम किया है वो भी ये जनता जानती है। देखिए काशी पर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा देवेंद्र जी, काशी पर ही रहते हैं विषय पर ही रहते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है अनूप जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ सर्वेश पाठक जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। सर्वेश जी आपका भी बहुत स्वागत। और देखिए आज काशी पर चर्चा हो रही है और काशी हमेशा सुर्खियों में रहती है, पिछले 9 साल में काशी का किस तरीके से विकास हुआ है, 9 साल में जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं बड़ी सौगातें दी गई हैं, काशी की बदली हुई तस्वीर सबको नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष उसी के साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ऐड कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्राथमिकता तय करी जा रही है वो ठीक नहीं है। सर्वेश पाठक जी आपको क्या लगता है? देखिए सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए काशी बाबा भोलेनाथ का नगरी है और ये आदि काल प्राचीन काल से ये नगरी है और ये हमारे इतिहास में हमारे संस्कृति में एक बहुत ही अहम स्थान रखता है। और अगर काशी का विकास हो रहा है तो सबको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। आपको बता दूं कि अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें 11,500 से ज्यादा 11,500 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। क्यों साइन किया गया है कि गोवा में जितने टूरिस्ट लास्ट ईयर नहीं गए हैं उससे ज्यादा टूरिस्ट हमारे बाबा की नगरी काशी में आए हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने को। एक समाचार पत्रों के हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया था 7.3 करोड़ से जो विजिटर्स हैं वो अपने देश के हो बाहर के सैलानी हो सब मिला के वो लास्ट ईयर वाराणसी बाबा काशी की नगरी विजिट किए। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस कॉरिडोर के निर्माण से वहाँ के जितने भी लोकल व्यापारी वर्ग है उनको कितनी राजस्व का लाभ होता होगा, साथ ही सरकार को। तो अगर बीजेपी सरकार में किसी भी सर्किट को उसका ये पुनरुद्धार करके और उसको एक नया कायाकल्प दिया जाता है तो ये देश के लिए इकोनॉमी बूस्ट करने का भी काम होता है। रही बात काशी की तो काशी की काया पहले से अभूतपूर्व बदल चुकी है। अभी अभी मेरे घर से मेरे ब्रदर जाके आए हैं और उन्होंने पूरे बताया कि एकदम से काया अभूतपूर्व हो चुकी है। इसमें अगर कोई यहाँ पे आगे कोई अगर इसमें राजनीति करता है तो मैं नहीं समझता कि उससे ऊंचा व्यक्ति कोई होगा। क्योंकि देखिए जब आप टूरिस्ट क्यों किसी प्लेस पे आते हैं, वहां पे अट्रैक्शन होता है, वहां पे कुछ होता है, तभी कुछ देखने के लिए आते हैं। और ये 7.3 करोड़ का जो आंकड़ा है कोई छोटा आंकड़ा नहीं है या कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है जो इसमें सर्वेश जी रखी है कि कहीं ना कहीं काशी के विकास से देश का विकास भी जुड़ा हुआ है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है काशी को। अनूप जी देखिए विपक्ष होने के नाते आपने जो पॉइंट्स बताए मैंने वो सवाल पूछे, लेकिन जिस तरीके से विकास हो रहा है अगर उसकी सराहना कर देते हैं तो उसमें क्या तकलीफ है विपक्ष को? ये तो देश का विकास हो रहा है, देश तो आपका भी है, काशी तो आपकी भी है। काशी भी हमारी है, भोले बाबा भी हमारे हैं और हम भोले बाबा के भक्त हैं। हमको तो कष्ट ये होता है कि भोले बाबा के स्पर्श दर्शन करने के लिए 1,000 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। एक गरीब आदमी कैसे भोले बाबा का स्पर्श दर्शन कर पाएगा?
अब सर्वेश पाठक जी तो देखिए ये सब गलत है। आप ये लगा रहे हैं किसी को 1000 रुपए का नहीं देना पड़ेगा, नहीं ये गलत है। आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ नहीं बोल सकते, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। अगर नेशनल टेलीविजन ने आपको जगह दी है तो गुमराह करने की जगह नहीं दी है, नहीं तो हम इसलिए रोकेंगे कि हम देश के एक सम्मानित जनता है, सम्मानित जर्नलिस्ट है। आप झूठ नहीं बोल सकते कि बाबा के दर्शन के लिए 1000 रुपए का देना पड़ेगा, ये गलत है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। तस्वीर नजर आती है देखिए, पाठक जी की जबान अपने मुंह में नहीं रख पाएंगे, कुछ नहीं बोलने का है। ठीक है, नेशनल टेलीविजन पे एक एक करके कोई कुछ नहीं बोल सकता। पाठक जी की जब बारी आए तब बोले। लेकिन अनूप जी जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसको लेकर कभी वाराणसी वासियों ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो बल्कि और ज्यादा उत्साहित है बाबा के दर्शन को लेकर। वो ये आप कैसे समझ सकते नहीं, देखिए सर चैनल है ग्राउंड जीरो पर से रिपोर्ट्स आती हैं, लगातार हम लोग प्रतिक्रियाएं लेते हैं और रिपोर्ट के अनुसार जो काशीवासियों का उत्साह है वो अपने आप में बताता है कि वो कितने ज्यादा प्रसन्न हैं। तो काशीवासियों से इतर तस्वीर आप रखेंगे तो ये कतई भी जो स्वीकार योग्य होगी नहीं। नहीं देखिए, सवाल है कि या तो भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि हमारे स्टीपी प्लांट चालू है और गंगा में जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आंकड़ा गलत है, अन्यथा ये भाषण देने से थोड़ी ना बात चलेगी। काशी के लोग प्रसन्न है, बच्चा भी अगर बीमार होता है उसको आप दवा के बजाय टॉफी दीजिए और प्रसन्न हो जाता है, तो क्या आप बच्चे को टॉफी खिला करके प्रसन्न करें?